रोती बिलखती महिलाएं, ढाढ़स बौधाते लोग, घर के पास खड़ी लोगों की तमाशबीन भीड़, तस्वीरें अनहोनी की तस्दीक कर रही हैं। कैमूर के भेड़िया मोड़ के पास दर्दनाक हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। वाराणसी से मोहनिया आ रही कार अनियंत्रित होकर सोमवार की देर रात को भेड़िया मोड़ के पास पानी भरे तालाब में जा पलटी, जिसमें कार सवार 5 दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूरी रात पुलिस और परिजन खोजते रहे, लेकिन उनका पता नहीं चला। सुबह पुलिस ने पानी में पलटी गाड़ी को देखकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। गांव के बच्चे से एक रोशन और एक पंकज नाम था, और इनके साथ 3 आदमी और थे, लोग बनारस जा रहे थे और कुल्हाड़िया मोड़ के पास एक्सीडेंट कर गए। गाड़ी से क्रेटा गाड़ी थी, 5 लोग गुजर गए। तो मतलब कहाँ गिर गए थे? कुल्हाड़िया मोड़ के पास पानी में गाड़ी उलट गई थी। घटना कब की है? रात में तो सुनने में आया है, लेकिन रात 10 बजे करीब का है, लेकिन सुबह हम लोग को पता चला। अभी आप लोग कहाँ आए थे? अभी हम लोग पोस्टमार्टम करवाने भगवा आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मान लीजिए इसमें हम लोग क्या चाहेंगे, ये लोग कहाँ करवाने वाले थे? दो लोग को मेरे गांव के। कौन गाँव? जमुना गाँव के। हाँ, और एक जिगनी के हैं, एक बरेज के हैं। बता दें कि कैमूर के रहने वाले राहुल और सूरज सहित 6 दोस्त पिछले 8 जुलाई से घूमने के लिए वाराणसी और लेह लद्दाख गए हुए थे। वहां से सभी लोग घूमकर ट्रेन के माध्यम से 19 जुलाई को दिन के 2 बजे वाराणसी पहुंचे, जहां 3 दोस्त वाराणसी में ही रुक गए और एक बस से मोहनिया चला गया, और राहुल और सूरज समेत 5 दोस्तों ने वाराणसी में शॉपिंग करने का प्लान बनाया। 19 जुलाई की देर शाम 5:08 बजे सभी अपनी गाड़ी से चल दिए, जहां देर रात्रि वाराणसी से मोहनिया आने के दौरान दुर्गावती थाना क्षेत्र के भेड़िया मोड़ के पास कार अनियंत्रित हो गई और वह बगल के पानी भरे चाट में गिरकर पलट गई, जिससे सभी दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 दोस्तों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना दुर्गावती और मोहनिया थाने को दे दी। पुलिस और परिजन पूरी रात खोजते रहे, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। फिर अगली सुबह जब पुलिस गश्त कर रही थी, तो भेड़िया मोड़ के पास तालाब में पलटी कार को देखा, तो क्रेन बुलाकर कार निकाला गया। क्या स्थिति है सर? बस स्थिति क्या है सर, बता दीजिए। नहीं सर, आप अजय पदाधिकारी, बस बता दीजिए सर, घटना क्या है, कितने लोगों की मौत हो सर, बता दीजिए। मौत की पुष्टि चिकित्सक महोदय करेंगे। यहाँ पे कितने लोगों को निकाला गया है सर? 5 लोग। प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गावती ने कहा कि सभी मृतकों के परिजनों को आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि 5 लोगों का डेथ हुआ है और वो लोग जो है मोहनिया ब्रिज के रहने वाले हैं। जी जी। तो इनके कजन लोग बताए कि ये लोग गए थे घूमने सिमला और जम्मू कश्मीर, और घूमने के बाद ये लोग जो है बाई प्लेन से ये बाबा एयरपोर्ट पाए थे, और वहाँ से इन्होंने किसी परिजन का गाड़ी या जिस जान पहचान व्यक्ति उनका गाड़ी मंगाए हैं, और उसी गाड़ी से लोग आ रहे थे। आने के दौरान में भेड़िया मोड़ पर लोग एक्सीडेंट हो गया, इसमें 5 व्यक्ति जो है डेथ हो गए ऑन स्पॉट। उनको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भगवा सदर में भेज दिए हैं, और जो रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हम लोग आपदा के तहत जो 4-4 लाख का प्रोविजन है उनके परिजनों को, जो उनके आश्रित हैं उनके 4-4 लाख रुपये हम लोग। एक एक्सीडेंट हुआ है दुर्गावती कुल्हाड़िया के पास, इसमें 5 लोग मतलब पानी में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई है। कैसे, कहाँ से आ रहे थे लोग? ये लोग बनारस से आ रहे थे, घूमने गए थे। किस चीज से? क्रेटा गाड़ी थी, उसी में 5 लोग थे, 5 नौजवान थे। गाड़ी का पानी में पलट गया, गाड़ी जो है पानी में चली गई है, और उसमें पानी में ही डूबने से लोगों की मौत हुई है। रात लोग बता रहे हैं कि रात में घटना हुई है, लेकिन सुबह में सबको जानकारी परिजन ही जो है सब यहाँ लेकर हॉस्पिटल आए हैं। रात की आने की प्रक्रिया चल रही है, और हम मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा हो इन पीड़ित परिवारों को मिले। सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत से पूरे मोहनिया में मातम पसरा है। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन हादसे की जो भी वजह, 5 परिवार ने इस हादसे में अपने लाडलों को खो दिया। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण की रिपोर्ट, बिहार तक।